सियासत में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा शिकायता भी हूँ कि हमेशा शिकायत रहती थी हम लोगों की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी कोई घटना होती है मौके पर जाना नहीं चाहते हैं। और जयपुर में जो बाढ़ जब आई थी तो सोनिया गांधी आ गई मगर अशोक गहलोत नहीं गए। तब उस समय सीपी जोशी सोनिया गांधी को लेकर आए थे, अब परिस्थितियां बदल गई है, अब एक स्पेशल रिश्ता हो गया है सीपी जोशी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जब भी चुनौती मिलती है उस चुनौती को वो आगे बढ़कर लेते हैं। मैं कहानी पढ़ दूसरा भाई अडोल्फ प्यूमा बनाया और दोनों में क्वालिटी को लेकर इतना संघर्ष हुआ कि दोनों ही ब्रांड दुनिया में छा गए। सचिन पायलट से मिलने वाली चुनौती के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नेता के रूप में तीसरी बार में जो निखरे हैं गजब के, क्या मेहनत कर रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं। जो कुछ भी हो दाद देनी चाहिए, इतने तो भागदौड़ कोई युवा नेता भी नहीं कर पा रहा है। मगर परिणाम क्या निकल रहे हैं, अधिकारी जो हैं वो पकड़ के दो चार बाढ़ प्रभावित लोगों को एक तंबू के नीचे लेकर आते हैं और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलते हैं और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्राम करने चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस अप्रोच को छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मौके पर जाकर देखना चाहिए कि कमियां कहां रह गई थीं। जैसा कि सांचौर में लोगों ने कहा कि सीवरेज लाइन ही ठीक नहीं है तो पानी निकलेगा कहां से, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा अरे जिला बना दिया सीवरेज के पीछे पड़े हो। अब कैसे बताएं उन्हें कि पब्लिक को अपने रोजमर्रा के कामों से फर्क पड़ता है, जिले की घोषणा से नहीं। मगर यह सियासत है, सियासत कहां कहां हो रही है, सियासत असली सियासत कांग्रेस में चल रही है, सियासत दिल्ली से लेकर जयपुर तक चल रही है। राहुल गांधी लौटने वाले हैं, वैसे लौट जाना था मगर जन्मदिन बनाकर लौटने वाले हैं और उसके पहले राजस्थान के झगड़े को खत्म करना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरा कर रहे हैं मगर एक नज़र दिल्ली में है क्योंकि वहां पर सचिन पायलट से लगातार वार्ता चल रही है। मगर वार्ता कहां पर अटकी हुई है, सचिन पायलट जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है तो फिर किसी और पद के लिए माथापच्ची करने के बजाय जनता के दिलों में कैसे पहुंचा जाए इसे लेकर माथापच्ची की जाए। फिर उन्होंने मांग रख दी है आरपीएससी के पुनर्गठन का। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी मांगों का हमने परीक्षण कराया, आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है मगर पुनर्गठन तो हो सकता है। क्यों नहीं यूपीएससी के तर्ज पर ऐसे नियम बनाए जाएं कि आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि अब राजस्थान में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अब कोई बाबूलाल कटारा भर्ती नहीं होगा, अब कोई हबीब गौरान भर्ती नहीं होगा, पता नहीं है तो पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए उन्होंने क्या क्या किया होगा अंदाजा नहीं हो, क्योंकि पहली बार राजस्थान के इतिहास में 4.5 सालों में बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी हाय लग सकती है, पसीने की हाय बहुत लगती है। अब सचिन पायलट लगातार ये समझाने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस की जीत के लिए जरूरी है और इस पेपर लीक का जो दाग है उसे धोने के लिए जरूरी है कि आरपीएससी के सदस्यों और उसके अध्यक्ष या चेयरमैन के चयन को लेकर कठोर नियम बने यूपीएससी के तर्ज पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दफ्तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संपर्क कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि अगर ये मांग हमने मान ली तो सचिन पायलट बड़ा नेता बन जाएगा। मगर मसला सचिन पायलट का नहीं है, उपेंद्र यादव परसों मिलने जा रहे थे तो बेचारे यही मांग लेकर जा रहे थे मगर जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत ही नहीं की, खड़े खड़े आए और बेरोजगारों से उनके जो आवेदन थे या जो भी था ले लिए और रख दिए और निकलते चले, बात हो नहीं पाई। जो हो गया वो आप ठीक कर नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव है और बदनामी सिर पर लेना चाहते नहीं, और लेना चाहते तो सीएचओ की परीक्षा को रद्द करके
या फिर जांच करा के अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, मगर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं। रिजल्ट में जो कोहराम मचा हुआ है उस पर सब खामोश क्यों है? मैं ही कह रहा हूं, घर हमारा जल रहा था और सब खामोश थे। हर तरफ कोहराम मचा था और सब खामोश थे। ये पब्लिक को खामोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। मगर क्या सचिन पायलट हर बार चूके हैं, इस बार भी चूक जाएंगे? अपने लिए कुछ मांग नहीं पाए वो कांग्रेस में, क्या राजस्थान के बेरोजगारों के लिए कुछ मांग पाएंगे? आपको लग रहा होगा कि राजस्थान में सन्नाटा है, सन्नाटा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार समझाया जा रहा है कि ये दो तीन मांगे जो सचिन पायलट की है उस पर आप काम कर लीजिए, मगर ये बेचारा बड़ा कबाड़ा कर सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग कहते हैं सचिन पायलट बेचारे, और फिर अरविंद केजरीवाल कह गए कि बेचारा पायलट कह कह कर मर गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बहना वसुंधरा के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई करूंगा नहीं। तो फिर बेचारा जो राजनीति में होता है वो मार डालता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के राजनीति में बड़े बड़े सूरमा आए, उनके सामने कोई बेचारा आ गया तो बेचारे ने निपटा दिया है। सचिन पायलट का बेचारा बनना कांग्रेस के ताबूत की आखिरी किल भी हो सकती है, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें बाइज्जत कांग्रेस में उनकी मांगों को लेकर अपनी गंभीरता दिखाते हुए अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। तो कुछ नहीं कहना है, विपक्षी दलों को यही कहना है बेचारा पायलट, और फिर परिणाम में कांग्रेस बेचारी हो सकती है। सचिन पायलट की मांगों को लेकर जिस तरह से दिल्ली गंभीर है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमारे टेबल पर समझौते का पूरा फॉर्मूला होना चाहिए। पद कोई मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर पद कोई बड़ी चीज नहीं है। सचिन पायलट को कांग्रेस हर पद देने के लिए तैयार है, मगर सचिन पायलट जानते हैं कि मुख्यमंत्री का पद नहीं तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ और बेरोजगारों के दिल में जगह, यही दो चीजें हैं जो राजस्थान की राजनीति में मुझे जिंदा रख सकती है। मगर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में जिंदा रहें? जिंदा तो रहेंगे, इसलिए कि आगे आने वाले चुनाव में केजरीवाल नहीं, हर लोग उन्हें बेचारा कहेंगे। और फिर ये बेचारा, मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा कबाड़ा करता है, बेचारा बन जाना इस देश की राजनीति में छा जाना है। याद है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव आते आते तक कांग्रेस के हाथों बेचारा बन गए थे और फिर ध्रुवतारा भी बन गए। इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस संभाले सचिन पायलट को बेचारा बनने से, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में किस तरह से रहती है राजस्थान की राजनीति, उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।